मुस्कुराइए, दिवाली है तो दिवाली में मुस्कुराने के कई कारण होते हैं। एक तो छुट्टियां होती, देन पटाखे होते, मिठाइयां होती, एक दूसरे के घर जाना होता, पार्टियां होती। पर इस साल थोड़ी दिवाली जो है हमें सावधानी से लेना होगा, क्योंकि क्या पटाखे तो वैसे भी कम हो गए, मिठाइयाँ बट्टी है, पर इस साल कोविड के माहौल के कारण थोड़ी सी कम बटेगी। तो ये जो मिठाई है एक आनंद दे सकती है, घर में जब आप यदि मिठाई बनाओ तो उसका आनंद अलग है, मज़ा अलग है। मुझे एक बात और याद है, जब मैं कलकत्ते जाता था, जाया करता था, साल में एक हाथ दो बार जाता था केवल और केवल मिठाई खाने के लिए, और उसमें मुझे संदेश जो है बड़ा प्रिय था। फिर बाद में ऐसे हुआ कि उसमें जब बदलाव होते गए, वो भी मैंने देखे कि पहले बेसिक संदेश था, फिर उसमें कुछ अलग फ्लेवर्स आने लगे, फिर गुड़ का संदेश आने लगा, तो ये सब देखकर संदेश जो है हमारा और प्रिय हो गया। और यही संदेश, प्यार का संदेश ले आए दिवाली में। चलिए बनाते संदेश, और ये जो संदेश है हंसते हंसते बनाते हैं, बिल्कुल मिनटों में बन जाता, लगता कुछ भी नहीं, दूध और शक्कर, और जिस किस्म का स्वाद आपको देना है, जैसे अभी हम केसर का स्वाद दे रहे हैं, उसमें आपसे आने के पहले ही हमने दूध जो है गर्म करना शुरू कर दिया। संदेश बनाते समय आधा दूध गाय का, आधा दूध भैंस का गर्म करिए। और मैं क्या करता हूँ कि जैसे एक लीटर दूध है तो उसको 800 ml ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा घटा देता हूँ, ताकि संदेश और मज़ेदार बनता है। और ये घटने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे सिरका या नींबू का रस। डायरेक्ट यदि आप दूध फाड़ने लगोगे साइट्रिक एसिड से, विनेगर से, सिरके से या नींबू के रस से, तो थोड़ी तकलीफ जाएगी। हम क्या करेंगे, जैसे एक 4 चम्मच नींबू का रस है तो उसमें 5-6 चम्मच पानी डालेंगे और फिर दूध फाड़ेंगे उससे। देखिए कितना बढ़िया ये छेना बन गया, और दूध अच्छा रहे तो छेना भी अच्छा बनता है, और मूड अच्छा रहे तो रेसिपी अच्छी बनती है, ठीक है ना। तो ये छेना बनने के बाद इसको हम छान लेंगे अच्छे से, और छना हुआ जो ऊपर का छेना हमें इस्तेमाल करना है। पानी जो है, पानी को आप फेंकिए मत, देखिए पानी क्या है बड़ा पौष्टिक होता है, फे इसको कहते हैं। ये पानी जो है एक तो बोतल में भर के आप रख दीजिए, जैसे मैंने बताया था कि अगले समय यदि आपको पनीर के लिए दूध फाड़ना है या छेना बनाना है तो ये पानी काम में आएगा। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, पते की बात ऐसी है कि ये पानी आप दाल बनाते समय, चावल बनाते समय, या आटा गूंथते समय, या सूप बनाते समय, किसी में भी काम में आएगा, और रेसिपी जो हमारी बेहतरीन बनेगी। तो ये पानी हम ऐसे ही रखेंगे, बाद में किसमें इस्तेमाल करना है आप देखिए। तो चलिए जो छेना है इसको छान लिया, छानने के बाद इसको अच्छे से मलना है, मल्ली लगाना है इसके, पर उसमें मेहनत ज़्यादा है। मैंने काम आपका सरल किया, मैंने क्या किया इसको मिक्सी में सीधा पीस दिया ऐसे। और देखिए जी मिक्सी चलाने की भी एक टेक्निक होती है, ऐसे नहीं कि बस मिक्सी में डाल दिए शुरू कर दी, ऐसे से वो मिक्स नहीं होगा, पेस्ट नहीं बनेगा। हम मिक्सी को रुक रुक के चलाएंगे, यानी होता है कि नीचे का यदि पेस्ट हो गई, ऊपर का जो छेना होता है नीचे बैठेगा, फिर पेस्ट हो गई, फिर नीचे बैठेगा, ऐसे एक्शन रिएक्शन होती है। चलिए पेस्ट बनने के बाद हम इसको फिर से पतीले में डालेंगे। ये घोटते घोटते जैसे पानी सूख गया, हम थोड़ी सी इसमें शक्कर डालेंगे। अब शक्कर कितनी डालना है, जैसे 1 किलो छेना है तो 1 किलो छेने में 700-800 ग्राम शक्कर आप डालिए। इसको हम और अच्छे से चलाएंगे क्योंकि शक्कर को छूटेगा पानी, हम इसको अच्छे से चला लेते हैं। अब ये हो गया बेसिक संदेश, अब इसमें हम डालेंगे केसर, ठीक है। तो केसर का इसमें एक स्वाद आएगा, कोई लोग गुड़ का संदेश बनाते, जब भी मैंने जिक्र किया था तो गुड़ के संदेश के बारे में हम फिर से जानेंगे। देखिए जी इस पोजीशन में केसर डालना उचित है, क्योंकि क्या इसका कलर और स्वाद दोनों हमारे छेने में लगेंगे और संदेश जो है बढ़िया बनेगा। अब जैसे ये सूख गया, सूखा दिख रहा है अभी, तो सूखने के बाद इसे हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए थोड़ा देर तो इसी में घोटूंगा, बाद में हम एक थाली में इसको स्प्रेड करके रखेंगे। देखिए जी ये सेट होने में आया, अभी हम क्या करेंगे एक छोटी कटोरी लेंगे और कटोरी में वेजिटेबल ऑयल लगा लेंगे, ताकि वो उसका हम साँचा बनाए। सिर्फ साँचे भी आते हैं, अलग अलग टाइप के साँचे आते हैं, हम इसमें ये जैसे छेना है मैं डाल देता हूँ दबा के, तो इसको निकालना है
निकालते समय एक काम करिए, देखिए हल्के से इसको एयर के लिए गैप दे दो, वो अपने आप छूटेगा, इस प्रकार छूट गया। अब इसके ऊपर ये चांदी का वर्क, चलिए संदेश हमारा बिल्कुल तैयार है। और ये संदेश जो है दिवाली के प्यार का संदेश आपके पास लाया है, हमारे प्यार का संदेश। संदेश खाइए, मिल बांट के खाइए, स्प्रेड करिए क्या प्यार, और देखते रहिए मास्टर रेसिपीज। नमस्कार। और ये जो सारे बर्तन हैं, जिसमें कांसा है, तांबा है, पित्तल है, लोहा है, इन सारे बर्तनों से हमें जो मिनरल्स मिलते हैं हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ये कुछ अलग से बताने वाली बात है नहीं। और ये सारे बर्तन यदि आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर संपर्क करिए, या खासियत बाजार नाम की हमारी वेबसाइट है, उसमें सारे बर्तनों के बारे में उसके फोटोग्राफ, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका मेजरमेंट, उसकी कॉस्ट ये दी है, तो आप उस पर जाइए और बर्तनों को बिल्कुल आप आसानी से ले सकते हैं।